हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जयराम ठाकुर पर हमला, कहा जनता के वोटों के आधार पर चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास जयराम ठाकुर ने किया वो लोकतंत्र की हत्या है। हिमाचल की जनता जागरूक है, 1 जून को फैसला होगा। उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, हिमाचल का जनमानस जागरूक है। हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक की रैली, प्रतिमा भौमिक ने साइकिल रैली निकाली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा के समर्थन में मांगे वोट। योग गुरु बाबा रामदेव का विपक्ष पर हमला, कहा हिंदू धर्म की अवहेलना करने वालों को राजनीतिक रूप से होगा बड़ा नुकसान। बाबा रामदेव ने नारा दिया आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र के खोट। के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सुरजेवाला ने अपने बयान पर सफाई दी है। हेमा मालिनी पर बयान के बीच सुरजेवाला ने कहा कि उनके बयान को काट छाट कर पेश किया गया है। चुनाव आयोग ने भी सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। और कांग्रेस आगामी चुनाव से पहले लगातार सामने आ रही है विपक्षी गठबंधन में टूट की तस्वीरें। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक ने कांग्रेस पर हमला बोला है। यूपी के रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी न घोषित किए जाने पर सपा विधायक मनोज पांडे का गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कई दशक से गांधी परिवार चुनाव जीता है और आज कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मनोज पांडे ने कांग्रेस पर रायबरेली की जनता से छल करने का आरोप भी लगाया है। चुनाव को लेकर जारी है सियासी बयानबाजी। एसपीएसपी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इन लोगों ने गठबंधन बनाया और इसे बनाने वालों का साथ उन्हें छोड़ दिया। नीतीश कुमार उनमें से प्रमुख थे लेकिन उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया। राजभर ने जयंत चौधरी, ममता का भी नाम लेकर कांग्रेस और सपा पर तंज कसा, कहा कांग्रेस के पास आखिर है क्या और सपा 2014, 17, 19, 22 में हारे और इस बार भी हारेंगे। बिहार में भी जारी है सियासी संग्राम। बीजेपी लगातार आरजेडी पर दाग रही है सवाल। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हमला। चौधरी ने कहा लालू प्रसाद यादव कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं सम्राट चौधरी ने लालू यादव को जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाला बताया। परिवारवाद पर भी चौधरी ने हमला करते हुए कहा वो भ्रष्टाचारी हैं जो सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। चुनाव से पहले कई नेताओं के बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संजीव बालियान अपने खिलाफ साजिश रचने की बात कह रहे हैं। साजिश करने वालों को लेकर भी बालियान ने कहा कि मतगणना के बाद साजिशकर्ता को किया जाएगा बेनकाब। यूपी की मैनपुरी सीट को लेकर अभी तक खत्म नहीं हुआ सस्पेंस। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मैनपुरी और रायबरेली सीट को लेकर दिया बयान, कहा मैं अपने परिवार का आदर करती हूं, डिंपल जी मेरी जेठानी है लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो वो भी निभाऊंगी। वहीं रायबरेली सीट को लेकर भी अपर्णा ने कहा अगर रायबरेली से भी टिकट मिला तो प्रियंका के खिलाफ लड़ूंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले जारी सियासी वार पलटवार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को शामली पहुंचकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश पर बोला हमला। जयंत बोले अखिलेश रानी देकर राजा मारना चाहते थे। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि हमें 6-7 का गणित ना समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने जयंत चौधरी पहुंचे थे। मुंबई से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में बिना शर्त पीएम नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए और ना ही किसी तरह का समझौता चाहिए, हम बीजेपी शिवसेना और एनसीपी गठबंधन का समर्थन करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा राज ठाकरे दिल्ली के सामने झुक गए हैं, महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जयंत चौधरी का हमला, कहा अखिलेश रानी देकर राजा को मारना चाहते थे, हमें 6 से 7 का गणित, 6-7 का गणित ना समझाएं। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने शामली में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे जयंत ने कहा कि अखिलेश हमें 6 और 7 का गणित ना समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं। दरअसल जयंत ने अखिलेश यादव को उस बयान पर तंज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा जयंत को 7 सीटें दे रही थी, अब उन्हें 2 सीटें ही मिली। बताइए 2 ज्यादा होते हैं या 7? सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है, उन सबसे अपने जो लोग हैं समर्थक हैं उनसे अपील करने आया हूं। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए, जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए। जयंत कुछ समय पहले तक अखिलेश के साथ हिंदी गठबंधन में थे लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब जयंत साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें गठबंधन से बाहर निकलने का पछतावा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सारण से लोकसभा चुनावी मैदान में उतरी प्रत्याशी के ऊपर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर से सारण से चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य पर सियासी हमला जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य सारण के चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से सियासी बयानबाजी चरम पर है। इस बार बीजेपी नेता सुहेली मेहता ने रोहिणी के प्रचार प्रसार पर सवाल उठाए। उनको इस बात का घमंड है और अपने को अपना क्रेज बहुत ज्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। रोहिणी के खिलाफ बयानबाजी ये कोई नई बात नहीं है। जब से लालू यादव ने रोहिणी को सारण संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है तब से ही वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी लगातार जुबानी हमले के जरिए रोहिणी को घेरने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच रोहिणी लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रही हैं। रोहिणी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत रोड शो से की थी, उस दौरान वो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।